क्लास सिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आपका चैप्टर इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स फंक्शनिंग लेसन टू एंड हम लोग पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। हमने इसके इम्पोर्टेंस जाने थे बच्चों, क्या इसके महत्व है हमने वो जाना था। अब हम इसमें आने वाले कुछ हर्डल्स यानी कुछ बाधाओं के बारे में जानेंगे। इन अवर कंट्री द मेजोरिटी ऑफ पीपल आर पुअर एंड इलिटरेट, द पुअर लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। कुछ हमारे देश में लोग गरीब हैं बच्चों और इलिटरेट भी। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? अशिक्षित, अज्ञानी लोग हैं, ठीक है। द पुअर लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, गरीब लोग जो है बस सिर्फ अपना जीवन बच्चों, हैंड टू माउथ का मतलब होता है अपना पेट भरने में यानी दो वक्त का भोजन का जुगाड़ करने में अपना जीवन बिता देते। उन्हें कोई मतलब नहीं देश में कौन सी सरकार है, हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम लोग किस हालात में, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। एज अ रिजल्ट दे फेल इजी प्री टू करप्ट पार्टीज। अब वो क्या हो जाते हैं बच्चों? करप्ट पार्टी है जो भ्रष्टाचारी पार्टी है, उनके आसानी से शिकार हो जाते हैं। कुछ चंद पैसों के लालच में, कपड़ों के लालच में, फूड के लालच में बच्चों को मन जो पार्टी उन्हें ये लालच देती है वो उनको वोट कर देते हैं। दे सेल देयर वोट्स, वो अपने वोट जो है, अपना अधिकार जो है वो इसको बेच देते हैं। सेल का मतलब होता है यहाँ पे बेच देना। दे सेल देयर वोट्स टू डिसऑनेस्ट एंड करप्ट कैंडिडेट्स इन द एक्सचेंज फॉर मनी, पैसे के बदले में वो अपना जो इम्पोर्टेंट अधिकार जो है वो उसको बेच देते हैं। मोस्ट इलिटरेट पीपल हैव नो नॉलेज अबाउट हाउ अ गवर्नमेंट वर्क्स। अधिकतर जो इलिटरेट पीपल है, जो अज्ञानी जो लोग हैं बच्चों, जो लोग पढ़े लिखे नहीं, उनको नहीं पता कि सरकार कैसे काम करती है, उनके काम करने में उनका खुद का लोगों का क्या रोल प्ले है वो उनको पता नहीं होता है। दे डू नॉट नो देयर ओन राइट्स एंड ड्यूटीज, उनको उनके अधिकार और उनके जिम्मेदारियां जो उनकी ड्यूटीज है उसकी कोई जानकारी नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस दे कैन नॉट बी एक्सपेक्ट टू इलेक्ट केपेबल लेजिस्लेचर। मोर एवर कंजर्वेटिव एंड बैकवर्ड सिटीजन्स आर ऑल्सो स्वेड बाय द रिलीजियस कास्ट एंड रीजनल कंसिडरेशन। दूसरी कमी क्या है बच्चों? कि जो लोग बैकवर्ड सोच के होते हैं, जो अपने ऑर्थोडॉक्स सोच के होते हैं, जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग होते हैं, वो किस बेस पे बच्चों वोट करते हैं? वो किस बेस पे वोट करते हैं? आपने भी अपने आसपास सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो रिलीजन को लेके वोट कर देते हैं कि ये हमारी जाति का आदमी है, ये हमारे कास्ट का आदमी है, उसको लेके वो लोग वोट कर देते हैं। इसके बाद ये लोग वोट करते हैं बच्चों रिलीजियस हो गया, कास्ट हो गया, है ना, जाति को लेके वो लोग वोट करते हैं कि हमारी जाति का है, इसको वोट करते हैं। और रीजनल का मतलब होता है बच्चों क्षेत्र, रीजनल का मतलब होता है बच्चों क्षेत्र। तो ये लोग जो लोग पुरानी सोच के होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं बच्चों? धर्म को लेके वोटिंग करते हैं। धर्म को, यह हमारी जाति का, यह हमारे धर्म का, इसको वोट कर दो, चाहे वो कैंडिडेट सही है या नहीं है, वो लोग ये नहीं सोचते। कास्ट को, वही जातिवाद आ गया बच्चों, रीजनल यानी क्षेत्रवाद। अरे भैया ये तो हमारे एरिया से खड़ा हुआ है, हमारे क्षेत्र का है, हमारे बिहार का है, हमारे पंजाब का है, हमारे हरियाणा का है। तो जातिवाद से लोग इस तरह से क्षेत्रवाद, रीजनल बेसिस पे, कंसिडरेशन पे, इन बातों को ध्यान में रखते हुए लोग वोट कर देते हैं। और इन बातों को जब ध्यान में रखते हैं तो तब वो लोग ये भूल जाते हैं कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो सही प्रतिनिधि है या नहीं। समटाइम्स इग्नोरेंट वोटर्स रिसोर्ट टू वायलेंस ड्यूरिंग द इलेक्शन। कुछ क्या करते हैं जो अज्ञानी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? वायलेंस करते हैं। वायलेंस क्या होता है बच्चों? हिंसा करते हैं इलेक्शन में, हिंसा करना, जो बैलेट जो होते हैं, जहाँ पे जो बैलेट बॉक्सेस जो होते हैं जिसमें वोट डाला जाता है बच्चों, आजकल थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है, तो उस बैलेट बॉक्सेस में बच्चों वो लोग उनकी लूटपाट मचा देते हैं, फिर गलत काउंटिंग हो जाती है वोट्स की और गलत रिजल्ट भी आ जाता है। इन दिस वे डेमोक्रेसी इज द मेन सफरर। अब इन सब में क्या सफर करता है, क्या परेशानी पता है बच्चों? हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, जब सही उम्मीदवार नहीं आता है तो हमारे लोकतंत्र की आत्मा भी खतरे में पड़ जाती है ना। द एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एडल्ट फ्रेंचाइज इज ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड। और एम जिसका उद्देश्य है डेमोक्रेसी, जो उद्देश्य है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र लाना, डेमोक्रेसी लाना, लोगों की सोच को सर्वोपरि मानना, लोगों के मत को सर्वोपरि मानना, वो सोच जो है वो कहीं ना कहीं सफर करती है, परेशानी होती है उसको। इफ यू वॉन्ट टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ एडल्ट सफरेज, यदि हम इसके सारे फायदों को पका हुआ पाना चाहते हैं, यानी यूनिवर्सल जो सफरेज जो है बच्चों, इसके फायदों को हम अच्छे से लेना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? यानी ये अभी तक मैंने इसमें आने वाले हर्डल्स बताए थे, अब मैं इसके इलाज बता रही हूँ ना, इसके
जो इलाज है वो बता रही हूँ कि हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं. इफ वी वॉन्ट टू रीच द बेनिफिट्स ऑफ अडल्ट सफरेज द गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पुअर एंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जो पुअर है बच्चों, जो पुअर है, गरीब है, एक तो उनकी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन से क्या मतलब है बच्चों, आर्थिक स्थिति सुधारनी है गरीब लोगों की, है ना. आर्थिक स्थिति जो है उसमें सुधार लाना है ताकि उनकी समझ में आए. आर्थिक स्थिति जब सुधरेगी, उनकी समझ में आ जाएगा, वो माउथ फूड टू माउथ नहीं रह जाएंगे, सिर्फ भोजन में अपना जीवन नहीं बिताएंगे, उनको सब पता चलेगा कि देश में कैसी सरकार होनी चाहिए, हमारा फायदा किसमें है, नेशन का फायदा किसमें, देश का फायदा किसमें, लोगों की भलाई किसमें, उनको समझ में आ जाएगा. तो उनकी स्थिति को सुधारना चाहिए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या सुधारना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. बच्चों सीधी सी बात है, जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी ना, ये सुधरेगा तो ये अपने आप सुधर जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप सुधर जाएगा. इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन पुअर एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लिटरेसी प्रोग्राम्स मस्ट बी इंप्लीमेंटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिटरेसी प्रोग्राम्स, है ना. यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ज्ञान होना चाहिए लोगों में, है ना. तो लिटरेसी प्रोग्राम जो है, लिटरेसी प्रोग्राम से मतलब है बच्चों, लिटरेसी यानी ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज, लोगों का ज्ञान बढ़ना चाहिए, लोगों में नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे देश की सरकार कैसे चलती है, डेमोक्रेसी क्या है, अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, ये सब नॉलेज होनी चाहिए, लोगों में ज्ञान होना चाहिए, शिक्षित होने चाहिए लोग. लिटरेसी प्रोग्राम्स मस्ट बी इंप्लीमेंटेड विद फुल विगर. लिटरेसी प्रोग्राम से क्या मतलब है, शैक्षिक शिक्षा प्राप्त करने के जो कार्यक्रम है, लोगों को शिक्षित बनाने के, वो फुल फ्लेज में चलने चाहिए. द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एज अ होल शुड प्रोपोगेट सेक्युलर आइडियाज एंड प्रमोट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियन पीपल. द गवर्नमेंट, सरकार और समाज दोनों को होल शुड प्रोपोगेट सेक्युलर आइडिया. सेक्युलर हमने पढ़ा है बच्चों, सेक्युलर क्या होता है, सेक्युलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्षता, किसी भी एक खास धर्म को इम्पोर्टेंट नहीं देना सेक्युलरिज्म होता है. सरकार और लोगों को इसको इम्पोर्टेंट देना चाहिए, धर्म निरपेक्षता को इम्पोर्टेंस देना चाहिए. दूसरा स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म यानी देश के प्रति प्रेम की भावना, देश के प्रति राष्ट्रवादी की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को सरकार और लोगों दोनों को बढ़ावा देना चाहिए. इससे क्या होगा, जब हमारे अंदर देश के प्रति प्रेम आएगा तो हम इसको सही से इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी का सही इस्तेमाल करेंगे, और डेमोक्रेसी रहेगी देश में तो नेशन का भला होगा, लोगों का भला होगा और राष्ट्र हमारा प्रगति करेगा बच्चों. तो ये सारी चीजें हैं, जरूरी है, जब हमें इसको सही बनाना है तो ये सारी चीजें होना जरूरी है. तो इस यहां हमने बच्चों ये पढ़ा कि सिग्निफिकेंस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है. इसमें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपार्ट हेड क्या होता है आपको एक बॉक्स में लिखा हुआ दिखेगा. पहले मैं इसको आपको पढ़ के बताती हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा. अपार्ट हेड, साउथ अफ्रीका इज अ मल्टी एथनिक कंट्री दैट इज पीपल ऑफ सेवरल रेसेस लिव देयर. अपार्ट हेड वॉज प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका अ फ्यू इयर्स अगो. अपार्ट हेड का मतलब होता है बच्चों कलर को लेके भेदभाव करना, है ना. अपार्टहाइड का मतलब छुआछूत का भेदभाव, एक तरीके से आप कह सकते हो कलर को, रंग भेद जिसको कहते हैं वो होता है अपार्टहाइड पॉलिसी, ठीक है. तो अफ्रीका में अलग अलग रेसेस के, अलग अलग जाति के लोग रहते थे कुछ सालों पहले, और वहां पे अपार्टहाइड यानी रंग भेद की नीति बहुत जोरों शोरों से वहां पे मौजूद थी. अपार्टहाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस. रेसेस रंग भेद जिसको अपन कहते हैं, जाति के उस पे भेदभाव करना. मोर स्पेसिफिकली इट मीन्स depriving the black from enjoying the same rights and privilege as the white people. काले लोगों को रोके रखना, काले लोगों के लिए भेदभाव करना, जो अधिकार गोरे लोगों को, जो importance गोरे लोगों को मिलता है वो काले लोगों को नहीं मिलना. There were three groups, native Africans, white and Indians. वहां पे तीन ग्रुप थे, native African यानी अफ्रीका के मूल, जो अफ्रीका के जो मूल जाति के जो लोग थे, जो अफ्रीकन्स थे बच्चों, वो व्हाइट्स गोरे लोग और इंडियंस यानी भारतीय लोग थे. अकॉर्डिंग टू अ लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. कायदा ये बनाया गया था कि तीनों जो जातियां थी एक दूसरे से बात नहीं कर सकती थी. देयर वर सेपरेट ट्रेन, सबके लिए ट्रेन अलग थी, बसेस अलग थी, हॉस्पिटल अलग थे फॉर व्हाइट्स एंड नॉन व्हाइट्स, गोरे
और काले, दोनों के लिए सारी चीजें लगती है। बच्चों क्या ये सही है कि सिर्फ हम कलर के बेस पे, रंग के बेस पे लोग इंसानों में भेदभाव करें? कहीं ऐसा पॉसिबल नहीं होता है बच्चों, लेकिन अफ्रीका में ऐसा चल रहा था। ठीक है, नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। और जो नॉन वाइट्स है यानी इंडियंस हो गए और ब्लैक हो गए, ठीक है, काले जो लोग थे बच्चों, उनको इलेक्शन में वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त था। दे फोर्स टू लर्न अ लैंग्वेज ऑफ द दे फोर्स टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ वाइट्स कॉल द अफ्रीकन्स इन स्कूल्स। जो लोग काले थे उनको अफ्रीकन्स कहा जाता था और उनको जो गोरे लोगों थे उनकी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए भी मजबूर किया जाता था स्कूल्स में भी। नेल्सन मंडेला द वेल नोन ब्लैक लीडर इन साउथ अफ्रीका। अब इन सारी चीजों से निजात दिलाया बच्चों नेल्सन मंडेला ने। अफ्रीका के गांधी के नाम से जाने जाते हैं बच्चों, नेल्सन मंडेला जो है अफ्रीका के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने जैसे गांधी जी ने, महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने भारत में छुआछूत के भेदभाव को खत्म किया, हरिजनों को अपनाया, उनको समाज में एक स्थान दिला, इस तरीके से नेल्सन मंडेला जी जो थे उन्होंने उन्होंने अफ्रीका में लोगों को रंग भेद की नीति से छुटकारा दिलवाया। वेल नोन ब्लैक लीडर इन साउथ अफ्रीका लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्टहाइड। अल्टीमेटली अपार्टहाइड केम टू एन एंड इन 1994 और आखिर में 1994 में ये जो रंग भेद की जो नीति थी, अपार्टहाइड पॉलिसी जो थी, वो साउथ अफ्रीका के लीडर मिस्टर नेल्सन मंडेला के अथक प्रयासों के द्वारा 1994 में ये जो नीति थी वो खत्म हुई और सबको वहां पे इक्वल वोटिंग राइट्स मिले यानी अडल्ट फ्रेंचाइज मिला। बच्चों उन्होंने कई वर्ष, तकरीबन 30 वर्ष इस आंदोलन के लिए, इस अहिंसक आंदोलन के लिए उन्होंने जेल में भी बिताया, उनका अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने पढ़ा बच्चों अपार्टहाइड पॉलिसी, पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजेस, पढ़े इसके हर्डल्स, पढ़े इसकी बाधाएं पढ़ी, और इन बाधाओं को रोकने के ये जो उपाय थे बच्चों हमने ये भी पढ़े। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लिप में। दैट्स ऑल, आप इसको रिवाइज कीजिएगा, पढ़िए जरूर, पढ़ेंगे बच्चों नॉलेज बढ़ेगी, रीडिंग अच्छी होगी और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।